प्योर पश्मीना नेचुरली। पीएनजी ज्वेलर्स। नमस्ते दर्शकों, भारत और विश्व के इतिहास में 16 दिसंबर के दिन का अपना ही महत्व है, क्योंकि इस दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। तो आइए जानते हैं 16 दिसंबर के इतिहास के बारे में। आज ही के दिन 1631 में इटली के वेसुवियस पर्वत का ज्वालामुखी फटा था। यह विस्फोट इतना भयावह था कि इससे 6 गांव तबाह हो गए थे और 4000 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं इस विस्फोट से पहले 6 महीने तक भूकंप आते रहे। ज्वालामुखी की ढलान पर कई गांव नष्ट हो गए और लावा का प्रवाह समुद्र तक पहुंच गया, जिसके कारण कई दिनों तक आसमान में अंधेरा छाया रहा। बता दें कि माउंट वेसुवियस इटली के नेपल्स की खाड़ी में मौजूद एक परतदार ज्वालामुखी है। ये प्रसुप्त यानी कि डोरमेट प्रकार का ज्वालामुखी है। ये नेपल से करीब 9 किलोमीटर पूर्व में है। 1763 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य वित्तीय संकटों से जूझ रहा था। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए ब्रिटेन ने कर का सहारा लिया। यह वही दौर था जब ब्रिटिश कंपनी का भारत के साथ अमेरिका में भी भारी उपनिवेश था। उस समय अमेरिका में चाय की खपत बड़े पैमाने पर होती थी। वित्तीय संकट से बचने के लिए ब्रिटिश संसद ने चाय पर अतिरिक्त कर लगा दिया, जिसके जवाब में अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने विरोध किया और 16 दिसंबर 1773 में बॉस्टन हार्बर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़कर चाय की पेटियां पानी में फेंक दी। इस घटना को अमेरिकी इतिहास में बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बॉस्टन टी पार्टी एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अमेरिकी क्रांति के लिए औपनिवेशिक समर्थन को तेज करने में मदद की थी। आज ही के दिन 1951 में हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय की स्थापना हुई थी। ये संग्रहालय हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर दारुल शिफा में स्थित है। संग्रहालय को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता के लिए खोला था। इस संग्रहालय में 35 सालों में इकट्ठा की गई अमूल्य चीजें रखी हुई हैं। आज ही के दिन 1985 में तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर ने काम करना शुरू किया था। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन की कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से ऊर्जा पैदा की जाती है। इससे लंबे समय तक लगातार ऊर्जा मिलती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक न्यूट्रॉन एक परमाणु से टकराता है तो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। मॉडरेटर से 2 न्यूट्रॉन की रफ्तार कम कर दी जाती है, इससे चेन रिएक्शन नहीं हो पाती। बता दें कि वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। यहीं से देश का परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ। आज देश में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इसके अलावा देश में 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं। इनसे 6780 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। 2032 तक यह कैपेसिटी बढ़ाकर 73,000 मेगावाट करने का टारगेट है। आहूजा सन्स की पश्मीना शॉलें, प्योर पश्मीना नेचुरली। आज ही के दिन 2009 में फिल्म निर्माण को एक नए मुकाम पर ले जाते हुए जेम्स कैमरन ने विज्ञान पर आधारित फिल्म अवतार का निर्माण किया था। दुनिया भर में इस फिल्म ने $2.7 अरब की कमाई की थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वर्ष 2022 को इसी फिल्म के दूसरे सीक्वेंस अवतार 2 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। आज ही के दिन 2012 में निर्भया कांड हुआ था, जिसने दिल्ली समेत पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। पैरामेडिकल छात्रा से 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। गंभीर जख्मों के कारण 29 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी। घटना के 9 महीने बाद यानी कि सितंबर 2013 में निचली अदालत ने 5 दोषियों राम सिंह, पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई थी। ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य नाबालिग आरोपी होने की वजह से 3 साल में सुधार गृह से छूट गया। बाकी 4 बचे आरोपी पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को 20 मार्च 2020 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी।
आज ही के दिन देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1971 के युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराया था। आज यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में भी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश में इसे विजय दिवस कहा जाता है। बता दें कि 16 दिसंबर की शाम 5 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को फोन कर बांग्लादेश पर जीत की खबर सुनाई थी। सिर्फ 13 दिन में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया था। हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर में भारत पाकिस्तान के इसी युद्ध को दिखाया गया है। आज ही के दिन 1937 में देश के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हवा सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ था। कैप्टन हवा सिंह 19 वर्ष की उम्र में ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए सबको हैरान कर दिया था। साल 1960 में वे डिफेंडिंग चैंपियन मोहब्बत सिंह को हराकर वेस्टर्न कमांड के चैंपियन साबित हुए थे। उन्होंने 1966 में एशियन गेम में हिस्सा लिया था और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। PNG ज्वेलर्स। आज ही के दिन 1971 में परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने देश के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। अरुण खेत्रपाल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई में बलिदानी हुए थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली थी। उस समय अरुण खेत्रपाल की उम्र महज 21 वर्ष की थी। टैंक्स में आग लगने के बाद जब रेडियो सेट पर उनके कमांडर उन्हें निर्देश दे रहे थे कि अरुण टैंक को छोड़कर बाहर आ जाओ, तब अरुण ने जवाब में अपने कमांडर से कहा था, मेरी गन अभी भी काम कर रही है, आई विल गेट देम। आज पूरा भारतवर्ष अरुण खेत्रपाल की वीरता को नमन कर रहा है। 16 दिसंबर 2023 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष का 350वां दिन है। वर्ष खत्म होने में अब केवल 15 दिन बचे हैं। आज शनिवार का दिन है।